राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज है 8 जून और दिन है शनिवार। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कल के ब्लॉग में कि मैंने मेहंदी घोली हुई थी, तो मैंने सोचा था कि इसको मैं कल शाम को ही लगा लूँगी, लेकिन बस कल शाम को मुझे मार्केट जाना पड़ गया था, इस वजह से मैं नहीं लगा पाई थी। तो आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मेहंदी लगा ली है। उसके बाद मैं लग गई हूँ किचन में, क्योंकि कल मैंने किचन के जो डब्बे धो के रखे थे वो अच्छे से सूख गए हैं, तो अब उनमें मुझे सामान भरना है। तो जिस डब्बे का जो सामान था वो मैंने भर दिया है। कुछ सामान ऐसा था जो पैकेट्स में था, उनको भी खोलने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने पैकेट के साथ ही वो एज इट इज़ डब्बों में भर दिया है। जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं उनको खोल लूँगी। फिर भी दो चार डब्बे ऐसे थे जो खाली ही रह गए थे, तो उनको मैंने रख दिया साइड में, क्योंकि अभी कुछ और भी सामान आता है। तो खैर, किचन में तो जितने मर्जी डब्बे रख लो कम ही पड़ते हैं। तो जी, किचन का जो डब्बे वगैरह हैं वो सब सेट हो गए हैं, स्लैब पे कपड़ा मार दिया है। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा था। तो नहाने के बाद जी, जो सुबह मैंने चाय पी थी उससे जो एनर्जी मिली थी वो तो हो चुकी है ख़त्म। तो अभी फिर से किचन में काम करना है, तो फिर से एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फटाफट से मैं बना लूँगी सबसे पहले अपने लिए एक कप चाय। चाय पीने के बाद करेंगे बाकी के काम। तो जी, चाय पीने के बाद आ गए हैं हम लंच की तैयारी करने। तो लंच में आज बनेगी आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं प्याज और लहसुन को कट करके चॉपर में इसको बारीक चॉप कर लूँगी। उसके बाद जब तक ये प्याज और लहसुन पकेगा अपना, तब तक बाकी की सब्जियां भी कट हो जाएंगी। तो कढ़ाई में तेल गरम किया है, इसमें जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक ये टमाटर कट हो जाएंगे। उसके बाद जी, गरम तेल में जीरा और हींग डाल के तड़का लगाएंगे। तो ये जो मेरा मसाला बॉक्स है ये भी बस खाली हो जाएगा, तब मैं इसको वॉश करूँगी। इसमें मैं अभी मसाले नहीं भर रही हूँ। तो जीरे और हींग का तड़का लगाने के बाद इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज का कलर चेंज होने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, और इनको हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो जब तक ये टमाटर पकेंगे तब तक हम बाकी की सब्जियां कट कर लेंगे। तो पहले मैं बैंगन को ऐसे ही कट कर रही थी, लेकिन जो बैंगन है वो साथ के साथ काला पड़ने लगता है, तो मैंने इसको कटोरे में पानी भर के उसमें ही कट किया। अब इनको मैं निकाल लूँगी तो ये जल्दी से काले नहीं पड़ेंगे। उसके बाद मैं आलू कट कर लूँगी। तो इस तरह अगर आप सब्जी कट करेंगे तो आपका दो चार मिनट बचेगा ही। तो इधर बच्चे भी अपना पढ़ाई कर रहे थे, तो बीच बीच में उनके कुछ डाउट्स थे तो वो मैं उनको बताती जा रही थी। तो जी, खाना वगैरह सबने खा लिया था। खाने के बाद मैंने, हाँ, बर्तन साफ़ नहीं किए थे, मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से कपड़ों पर प्रेस कर ली जाए। वैसे भी बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, बस जिन पर ज़रूरत, जिन कपड़ों की ज़रूरत होती है वो यूज़ में आ जाते हैं, बाकी कपड़े ऐसे ही लॉन्ड्री बैग में इसमें इकट्ठे होते जा रहे थे। तो आज तो मैंने मतलब सोच ही लिया कि इनको भी ख़त्म ही करना है, चाहे बेशक, पर फिर भी आज मैंने काफ़ी सारे कपड़ों पर प्रेस कर ही दी थी। कुछ इसमें मतलब सबके ही कपड़े थे, बच्चों के भी थे, बच्चों के पापा के भी थे। तो अब कुछ कपड़े ऐसे थे जिन पर अगर हम खाली प्रेस चला रहे थे तो वो मतलब उनकी जो क्रीज़ें हैं वो नहीं ख़त्म हो रही थी, तो इसमें फिर प्रेस में मुझे पानी डालना पड़ा। तो जो स्टीम से क्या है, मतलब जो क्रीज़ें हैं वो अच्छे से खुल जाती हैं। तो सारे कपड़ों पर प्रेस करने के बाद, मतलब सारे तो नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी ये है कि मैंने आज आधे से ज़्यादा कपड़ों पर प्रेस कर दी थी। तो जी, ये हो रहा शाम के 4:30 बजे के लगभग का टाइम। ताज़ा पानी आ गया था, तो मैं कर रही हूँ खाने के बर्तन साफ़। तो बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद और जो भी शाम का छोटा मोटा काम रहता है उसको निपटाने के बाद मुझे जाना है आज यशवी को लेके मार्केट, क्योंकि आज मुझे यशवी को कपड़े दिलवा के लाना है। ऋषभ के लिए मैं 2-3 दिन पहले लेके आ गई थी, अपने लिए भी मैं कल जाके ले आई थी, लेकिन बस यशवी रह गई थी। तो
वो कल मेरे साथ नहीं गई थी तो आज मैं उसको लेके जाऊंगी। तो जी बर्तन साफ़ कर दिए, गैस वगैरह भी साफ़ कर दिया, स्लैब पर कपड़ा भी लगा दिया है। उसके बाद मैं भर दूंगी घड़े में ताज़ा पानी। तो घड़े को मैं दोनों टाइम भरती हूँ पानी, इतना मतलब बच्चे भी सारा दिन पीते रहते हैं। अब फ्रिज में हम लोग रखते नहीं हैं पानी, तो ये है कि ठीक है लेकिन घड़े का पानी पी लेते हैं बच्चे, तो इसको दोनों टाइम भरने से काम चल जाता है। तो पानी वगैरह भरने के बाद अब मैं बना लूँगी चाय। मैंने चाय चढ़ा दी है और ये दूध के पैकेट रखे हुए थे, इनको भी मैं गर्म करके जाऊँगी। Sunshine on my face, I feel pretty great about today, about today. My bride, I'll be waiting. जी मैं और यशवी निकल गए हैं घर से बाहर। 5:30 बजे का टाइम था लेकिन अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। सच बताऊँ तो मेरा अभी इस टाइम जाने का बिल्कुल मन नहीं था, मैंने सोचा थोड़ा लेट चलेंगे, पर यशवी को सब्र नहीं हो रहा था। खैर मार्केट में हमें एक जगह मिली थी मीठे शरबत और चने की सेवा, तो वहाँ पे हमने शरबत पिया। उसके बाद हम पहुँच गए हैं विशाल मेगा मार्ट। अब वहाँ से हमने क्या क्या लिया वो मैं आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।